नमस्कार। सो फाइनली एमसीसी का राउंड टू का सीट मैट्रिक्स आ गया। पहले आपको मैं समझाता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं शब्द को देख के कि वर्चुअल सीट मैट्रिक्स लिखा आता है अलग से। देखिए अब आप सबको जो भी इस बैच के हैं 2024 के, मैंने कहा ना हमेशा, और अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंटली करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हम दिला देंगे, एक व्हाट्सएप हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, लोगों को सुबह शाम मैसेज आते हैं, और बाय द एंड ऑफ काउंसलिंग तकरीबन मेरे जितने क्लाइंट होते हैं ना उनको काउंसलिंग आ जाती है। ठीक है, फिर अगले साल वो किसी और बच्चे के लिए कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। बट मेरा शायद गोल मिशन भी यही रहता है कि बाय एंड ऑफ 3 मंथ्स हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं उनको काउंसलिंग पूरी पिक्चर या प्रोसेस क्लियर हो जाती है। कोशिश तो हम करते हैं शुरू में करने की, पर किसी को धीरे धीरे होती है, जैसे जैसे वो रिजल्ट देखता है कि सब कुछ कैसे ट्रांसपेरेंटली सीट मिलती है, मेरिट से मिलती है, कोई दिलवा नहीं सकता है। और हमारा काम तो है आपकी प्रोसेस में हेल्प करना, आपको सही से गाइडेंस देना। और हाँ, जिसको NRI में हेल्प चाहिए तो उसके पेपर वगैरह बनवाना और जहाँ जहाँ नेगोशिएशन होती है वो करवाना। और वहीं पर मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, और हम हमेशा जानते हैं कि जो सबसे कॉमन जब NRI सीट्स होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो एजेंट है जिसके फैले होते हैं पूरे हिंदुस्तान में है, वो है MGM ग्रुप। तो MGM ग्रुप की अगर मैं चारों कॉलेज की बात करूँ, जी हाँ चारों कॉलेज की, तो तकरीबन उन्होंने अपना ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, तकरीबन ख़त्म कर दिया उन्होंने। और तो तकरीबन उन्होंने ख़त्म कर दिया है अपना जो उनका वर्चुअल वैकेंसी आया था वो। तो वर्चुअल, हाँ सबसे पहले तो सॉरी तो सबसे पहले आप ये समझिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। सो दोनों में फ़र्क ये है कि सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है समझ लीजिए MCC काउंसलिंग के पास। तो आप हरियाणा गए, आपने बोला अपग्रेड करना है, वो कहता है जी खुद ही कर लेना, मतलब कोई ऐसा बटन नहीं है जो हमें दबाना है। UP में आपको करना है, उत्तराखंड में आपको करना है, राजस्थान में करना है, पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में कहीं भी करना है। जैसे कर्नाटका ने आपसे पूछा था कि आपको अगर अपग्रेड पे जाना है तो वो चॉइस 2 भरो, फ्रीज करना है तो 1 भरो, याद है, फ्रेजेड करना है तो 3 भरो, ऐसी MCC पूछता है। तो MCC में जब हम जाते हैं तो वो पूछता है कि फ्रीज या अपग्रेड। तो जो बोलता है अपग्रेड, तो एक तरह से उस सीट को काउंट किया जाता है वर्चुअल वैकेंसी में कि वो कल को खाली हो सकती है, क्योंकि फ़िलहाल वो सीट जिसके पास है उसने बोला अपग्रेड। अब वो अपग्रेड करके दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स जा रहे हैं, या अपग्रेड करके वो MCC के अंदर रह सकता है। तो ये जो वर्चुअल वैकेंसी होती है ना, इनकी फिगर का मतलब ये नहीं है कि इतनी सीटें खाली हैं। आप ये सोचिए कि सारे लोग वो हैं जो कहीं और जाने की सोच रहे हैं। तो अगर 2954 टोटल 57 कॉलेजेस में, अब 55 + 2 = 57 हो गए ना, दो नए कॉलेज आ गए, उनके बारे में बताता हूँ मैं। माला रेड्डी की ग्रुप बड़ा पुराना ग्रुप है तेलंगाना का, उनका ऑलरेडी स्टेट प्राइवेट कॉलेज चलता है, और अब उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, दोनों सेम नाम से हैं। आई थिंक एक ओनली वुमन के लिए खोला गया है, कोई बड़ी बात नहीं कि बगल वाले कैंपस में ही हो, क्योंकि दोनों ही हैदराबाद में हैं। और एक ओवरऑल मेडिकल कॉलेज है वुमन के लिए, 200 सीटें लेकर आए हैं दोनों में, 170 नॉर्मल, 30 NRI, और पैकेज जो है नॉर्मल सीट का वो हॉस्टल मिला के 1 CR के अंदर है। तो सबसे पहली बात, कट ऑफ डेफिनेटली 450 प्लस जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक भी कॉलेज लिए होंगे 420-430 वाले, इवन लाइक SKBS वडोदरा एंड ऑल दैट, वो सब कोशिश करेंगे, बिकॉज हैदराबाद इज़ ए बेटर प्लेस टू स्टे, राइट। तो जैसे वो IMS के नए कैंपस का हुआ है ना, वो तो खैर 550 पार करिए आप, ये दोनों कॉलेज भी 450 पार करेंगे। सो 300 वाले उम्मीद मत लगाओ, पर हाँ 300 वालों को ये फ़ायदा है कि देखिए हर जो 340 नई सीटें आएंगी या 400 नई सीटें आएंगी, तो फिर आपके लिए दूसरे कॉलेजों में सीटें तो खुलेंगी ना, चाहे माला रेड्डी में ना मिले। तो वर्चुअल वैकेंसी भी आप समझ गए, तो सबसे ज़्यादा 2954 वर्चुअल वैकेंसी हैं, जो आपको बेसिकली ये बताता है कि जिसने भी है ज्वाइन किया वो अपग्रेड के लिए गया है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर ज्वाइन करके अपग्रेड के लिए नहीं जानते, वो एक तरह से कॉलेज की महानता कह लीजिए, कॉलेज की क्वालिटी के बारे में बताता है। तो इवन KS हेगड़े जैसे कॉलेज में भी हर बंदा अपग्रेड के लिए गया, 88 अपग्रेड के लिए गए हैं, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि भाई हमें JLN या JSS मिल जाए। JSS जाने वाले भी अपग्रेड के लिए जाते हैं कि हमें कस्तूरबा मिल जाए। मेरे ख्याल से कस्तूरबा वाले थोड़े कम होंगे, क्योंकि अब उनको उससे अच्छा क्या ही मिलेगा। कस्तूरबा मणिपाल वालों ने भी अपग्रेड मार रखे हैं 91 लोगों ने, तो वो इस चक्कर में होंगे कि शायद हमारा सरकारी निकल जाए, है ना। तो अपग्रेड में तो तकरीबन जो भी ज्वाइन किया सभी 3000 अगर अपग्रेड में गए हुए हैं आउट ऑफ
नॉर्मल सीटें शायद 7-8 हज़ार हैं, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने अपग्रेड मारी रखा है। कुछ लोगों ने फिक्स भी कर लिया जो हमदर्द वगैरह के हैं और जिनको पता है कि सरकारी से हम बहुत दूर हैं। लेकिन जो मैं आपको NRI का इंटरेस्टिंग बता रहा था, सिर्फ 510 NRI सीट बची हैं और जो मशहूर कॉलेज MGM नेरूल 0 NRI सीट बची है, जी हाँ 0, MGM नवी मुंबई 3, MGM औरंगाबाद 2, MGM वाशी 1, तो चारों MGM मिला के 3, 2, 5 सिर्फ 6 NRI सीटें बची हैं, क्योंकि MGM के सबसे ज़्यादा नेटवर्क है एजेंट्स का टू सेल देयर NRI सीट्स एट अ पैकेज। ओके, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है JLN बेलागावी और JSS का, तो मेरे ख्याल से उनमें भी ना के बराबर ही बची हुई, आपको बता देता हूँ। JLN बेलागावी में 5 बची हैं NRI की और JSS मैसूर में भी 5 बची हैं। और जैसा मैंने कहा, जो मेन MGM है नवी मुंबई वाला, उसमें तो 3 बची हैं गिन के, औरंगाबाद में 2, नेरूल में 0, वाशी में 1। तो वही ये JLN JSS ये सबसे मशहूर हैं। कस्तूरबा में भी 3 ही बची हैं मैंगलोर में, बट वो मतलब जेन्युइन बिना डिस्काउंट के जो फुल फी देने वाले लोग हैं उन्होंने लिए। मणिपाल में 4 बची हैं, झारखंड में 2 बची हैं, और फिर वही BLD बीजापुर में हैं 21, SDU कोलार में हैं, कृष्णा कराड़ में 14 हैं, ग्राफी कीरा में 23 में से 22 हैं। मैं आप लोगों को शुरू से कहता हूँ, जो खासकर नॉर्थ इंडियंस हैं, इतनी टेंशन मत लीजिए, NRI के पेपर हैं तो ग्राफी कीरा और मौलाना कहीं नहीं। मौलाना की 30 में से 26 बची हुई हैं, तो 4 ही गई हैं अभी तक। अगर हम NRI की बात करें, सत्या साई और लक्ष्मी नारायण अपनी NRI सीट हम जानते हैं, सरेंडर कर चुके हैं पहले ही। विनायक मिशन क्राइकल कर चुका है, आरुपड्डू पौडेचेरी कर चुका है, ये 4-5 कॉलेज जिन्होंने अपनी NRI सीट सरेंडर कर दी थी, JR ने, भारत ने, तो उसमें कुछ वैसे उसमें इसलिए वो 0 हैं। तो ये मैं सोचे उनकी NRI सीट ख़त्म हो गई है, इन 7-8 कॉलेज ने ना अपनी NRI सीट सरेंडर कर दी थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो अपनी सारी सीटें उन्होंने नॉर्मल में बना ली थी। सो मोस्टली जो चेन्नई के कॉलेज थे उन्होंने अपनी सीट NRI सारी सरेंडर कर दी थी। तो सत्या साई में या लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी में, आरुपदई पौंडीचेरी में, GR मेडिकल तमिलनाडु, भारत चेन्नई, विनायक मिशन सलेम, चेटीनाड कांचीपुरम, इनमें अगर आपको 0 दिख रही है NRI सविता, क्योंकि उन्होंने NRI सीटें अपनी सरेंडर कर दी हैं, ठीक है ना। ACS इन सब ने छोड़ दी थी NRI सीटें और सब सीटें नॉर्मल बना ली थी। तो बस यही इंटरेस्टिंग बात थी नॉर्थ इंडियंस के लिए। ग्राफिक गिरा संतोष ने बड़ा चमत्कार दिखाया और संतोष की NRI सीटें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। आई थिंक उनका भी इस बार एजेंट नेटवर्क बहुत अच्छा चला है और उन्होंने अपनी NRI सीटें दी हैं डील में, तो खाली 6 बची हैं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, मौलाना में बहुत हैं, ग्राफिक गिरा में बहुत हैं। ग्राफिक गिरा आपको चाहिए तो हमें संपर्क कीजिए, पैकेज दिला देंगे। मौलाना में कोई डिस्काउंट नहीं है, बट हाँ वो ये करवा सकते हैं कि कुछ रकम आप फ्यूचर में कुछ कॉलेज में आप इंडियन रुपीज़ में दे सकते हो, तो वो डील्स होती हैं जो कंसल्टेंट करवा सकते हैं। और अमृता फरीदाबाद एक बार देख रहा हूँ कितनी, कोची में तो 5 हैं और अमृता फरीदाबाद में कहाँ गया, फरीदाबाद में भी 8 ही बची हैं, तो काफ़ी NRI उड़ गई हैं उसकी भी। 29 नॉर्मल सीटें भी हैं अभी अमृता फरीदाबाद में। ओके, और टोटल जो नॉर्मल हैं, जो रियल वैकेंसी है, वो भी वैसे 2781 इस वो लोग जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करा, क्योंकि अलॉटमेंट उसमें पूरी हुई थी ना, तो ये 2781 हम वो बोलेंगे जिनको सीट मिली और जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा, तो वो बन जाती है रियल वैकेंसी। सिमिलरली 510 NRI वो है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करा या अलॉटमेंट ही नहीं हुई। नॉर्मल सीट में तो अलॉटमेंट सारी हुई थी ना, और वर्चुअल वो है जिन बच्चों के पास वो वाली सीट है पर उन्होंने अपग्रेड बोला है। तो जब आप MCC में अपग्रेड बोल के आते हो तो आपका डब्बा वो वर्चुअल वैकेंसी में दिखाते हैं। ऐसी बढ़िया सॉफ्टवेयर इंडिया में किसी और स्टेट काउंसलिंग के पास नहीं है, कर्नाटका वगैरह को छोड़ के। तो अभी कर्नाटका ने आपसे पूछा था ना ऑप्शन कि आप फ्री जाओगे कि अपग्रेड के लिए जाओगे ऑनलाइन, बाकी लोग तो पूछते ही नहीं है। हरियाणा, हिमाचल, UP, उत्तराखंड, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर लोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आप अपग्रेड के लिए चले गए, नहीं करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आप फ्रीज हो गए। ठीक है, तो जी MGM तो तकरीबन सारे भर गए, एक दो सीटें बची हैं, किसी को मिलती हैं तो आप बात कर सकते हैं उन लोगों से, हमसे संपर्क करना चाहें अगर फर्स्ट ब्लड NRI रिलेशन है और अभी आपने MCC से अपने पेपर से अप्रूव करा लिए हैं, तो यहाँ कोशिश की जा सकती है। मौलाना में जैसा मैंने कहा बहुत सीट्स हैं, ग्राफिक गिरा में बहुत सीट्स हैं, श्री सिद्धार्था में, SDU कोलार में बहुत सीट्स हैं, नेगोशिएटेड सीट पे आपको मिल जाएगी 1.4 1.5 में, गीतम में सारी बची हुई हैं,
अराउंड 3 सीटें नॉर्मल सीटें बन जाएंगी। अगर मैं उन कॉलेज की बात करूँ, महात्मा गांधी, पौडेचेरी, मीनाक्षी, कांचीपुरम, ये सब NRIs राउंड 3 नॉर्मल बन जाती है। राजेश्वरी पूरी 35 पड़ी हैं, कौन ही लेगा इनकी सीट NRI वाली, ठीक है। डीवाई पाटिल पुणे की भी सारी पड़ी हैं अभी 29 NRI वाली, बहुत महंगी हैं। सिम्बोसिस की भी निपट गई, 3 बची हैं। SKPS वडोदरा की काफ़ी सारी हैं, जैसे मैंने बोला ग्राफी की था कि तो है, कृष्णा कराड़ में काफ़ी हैं। ओके, सो बस बेसिक पर्पज समरी यही है, सीट्स हैं, घबराइए मत। अपडेट करूँ याद रखिए, जो मैंने 2-3 पहले वीडियो बनाया था, 2 नए डीम्ड कॉलेज आ गए हैं, 200-200 सीटें लेकर आए हैं, कम पैकेज है तो वो तो 450 प्लस पे मिलेगी, मेरी एस्टीमेट है। लेकिन उन कॉलेज की वजह से जो 300 वाले हैं, जियोग्राफी की तरह नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा, एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने। और क्या हो गया, आपको वर्चुअल वैकेंसी और रियल वैकेंसी का डिफरेंस समझा दिया, इसको देख के हर स्टेट में होता है, लेकिन वो आपसे पूछते नहीं हैं, तो वो आपको वर्चुअल वैकेंसी का डेटा नहीं दे पाते, क्योंकि MCC का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, 2-way सॉफ्टवेयर है। आप भी काम करते हैं सॉफ्टवेयर में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, और कॉलेज भी करता है जब आप रिपोर्ट करते हैं, तो इसलिए आपके पास वो वर्चुअल वैकेंसी जो आती है वो इन एडिशन टू रियल है। रियल का मतलब तो ये कि उस सीटों पर रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, वर्चुअल मतलब ये कि वो सीटें किसी ने ले ली है पर उस बंदे ने अपग्रेड के लिए बोल रखा है, वो अपग्रेड MCC में भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। क्लियर, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। एक्शन स्टार्ट होगा आज और कल भी, हिमाचल की फ्रेश रजिस्ट्रेशन चल रही है फॉर राउंड 2, बिहार की चॉइस फिलिंग खत्म हो रही है कल, झारखंड की खत्म हो रही है आज फॉर राउंड 2 रजिस्ट्रेशन, बिहार की राउंड 2 चॉइस फिलिंग कल खत्म हो रही है, पंजाब चालू है इस समय, UP 9 से चालू होगा, उत्तराखंड हरियाणा की न्यूज़ अभी आनी है, AP तेलंगाना का अभी तक वेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग का, कर्नाटक का राउंड 1 खत्म हो रहा है, केरला का राउंड 1 खत्म हो रहा है, UP का 9 तारीख से राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। UP में फ्रेश रजिस्ट्रेशन में एडिट नहीं कर सकते आप, तो आप समझ जाए बात को। राजस्थान का राउंड 2 का नोटिस आ गया है, वो भी परसों से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, पंजाब स्टार्ट है, मध्य प्रदेश परसों से स्टार्ट होने वाला है, बट राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, तो जिन्होंने राउंड 1 में कर रखा है वही कर सकते हैं। सारे जो टॉप 4-5 कॉलेज हैं फिलहाल उनके NRI की सारी सीटें अलॉट हो गई थी MP के डोमिसाइल के बच्चों को, कितने रिपोर्ट करते हैं, कितनों ने एक्चुअली ज्वाइन करा, वो 1-2 दिन में इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे जैसे आएगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो हमारे क्लाइंट्स हैं मैंने कहा उनको तो मैं व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में बता ही देता हूँ क्विकली। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार ऐसे जानकारी मिलती रहे और आप जैसे दूसरे लोगों को भी मिल जाए। जब आप लाइक और शेयर करते हैं वीडियो तो दूसरे तक भी पहुंचता है। हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं 9643362320, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग राउंड 1 में सेटल हो गए हैं, तो कुछ सीट्स हम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और फिर भी मुझसे बात करने के लिए आप जानते ही हैं मिनिमम चार्जेस 500 रुपये तो रहते ही हैं, तो इवन सर्विस लेने से पहले ही आपको वो फीस तो देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू न्यू पीपल विदाउट, वो हम शुरू से नहीं करते। खैर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।